हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंटरव्यू। टुडे वी हैव विद अस डॉक्टर मनमीत कौर भुई, एसोसिएट प्रोफेसर इन अप्लाइड फिजिक्स ऑफ श्री शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस। सो मैम, वेलकम टू द इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। सो मैम, कैन यू टेल मी अबाउट योरसेल्फ? या, माई सेल्फ डॉक्टर मनमीत कौर भुई। राइट नाउ आई एम हैविंग अ डेजिग्नेशन ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर इन श्री शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस भिलाई। आई हैड क्लियर्ड my graduation from at 2004, and whereas I had completed my master degree in 2006, I had completed my postdoctorate, that is PhD, in 2016 from the Pandit Ravi Shankar Shukla University, Raipur. And right now, I am at Sri Shankaracharya Technical Campus from the last 14 years. All right, ma'am. So, ma'am, being the associate professor in applied physics, ma'am, what are your rules and responsibilities? See, I am here from the last 14 years, so being a teacher, being a faculty, I am having a huge responsibility on my shoulders. First, we have to deal with the first year students. That is, we have to basically deal with the students that are just coming from the class 12th grade. So, unko ek college ke liye plan karna, ek college ke liye unko platform provide karna, sabse pehle to hamari bahut moral duties hai. Second thing, we have to give a platform, we have to arrange them in a proper way so that you can get adjusted in the environment of a college. Along with this, we are having a various responsibilities, whether it related to the academic, related to the non-academic things, such as agar humko academics, faculty development programs organize karne hai, to usme hamara hai, steering committee and NECTI organization. All these things are the responsibilities which we are dealing in the college. All right, ma'am. So ma'am, how does the curriculum of the college ensure that the students are being prepared for the future? See, at every 5 years, we are arranging our curriculum, or we are designing our curriculum related to the new technologies which we are incubating in the society right now. For example, we have just last year, we have renewed our syllabus, which we have involved in solar cell, which is involved in the latest technology in today's technology. That's why we are हमने अपने सिलेबस कैसे डिफाइन किया है कि बच्चों को आगे फ्यूचर में भी अगर वो कंपनीज वगैरह में भी जाते हैं तो उनको किसी तरह से परेशानी ना हो अपनी चीजों को रिलेट करने में थ्योरेटिकली एज वेल एज एक्सपेरिमेंटली। ऑलराइट मैम, सो मैम, हाउ डज यू ट्राई टू बीइंग प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स द सब्जेक्ट? एंड अगर प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करें, अगर रिगार्डिंग हम प्रैक्टिकल अप्रोच कंसिडर करते हैं, तो उसमें हमने अपने लैब्स के रिकॉर्डिंग भी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हमने इन्वॉल्व किया है जो बच्चों को आगे फ्यूचर में इस्तेमाल होंगे। से फॉर एग्जांपल, अगर जैसे हमने अपने एक्सपेरिमेंट्स की रिलेटेड या थ्योरी की भी बात करें, तो हम बेसिकली उन्हीं प्रैक्टिकल्स को अपने थ्योरी से रिलेट करते हुए रखते हैं जो उनको आगे फ्यूचर में यूज़ करेंगे। जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर, आज की डेट में उसका काफ़ी कम्युनिकेशंस के रिलेटेड यूजफुल यूजर्स हैं, तो हमने अपने प्रैक्टिकल में ऑप्टिकल फाइबर के भी एक्सपेरिमेंट्स को हमने डाला है जो बच्चों को आगे हेल्प करेंगे। As well as उनकी थ्योरी को जानने के लिए हमने ऑप्टिकल फाइबर को थ्योरी में भी इंक्लूड किया है, सो दैट दे कैन रिलेट द प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी, और इन्हीं चीजों की हेल्प उनको आगे फ्यूचर में भी इस्तेमाल होगी। Alright, ma'am, any suggestion you would like to give to current youth and aspiring students? Yes, it's a very good question. Thank you for this. देखिए, आजकल की जो यूथ है उनको सबसे पहले तो अपना माइंड फोकस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज दे आर गेट डिस्ट्रैक्टेड। एक्चुअली उनका जो ओरिजिनल पाथ है उस पर वो फोकस रहें, साथ ही साथ ये जो अभी जो समय चल रहा है कोविड का, उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है ऑनलाइन क्लासेस का, उसको वो यूज़ है जितना हो सके यूज़ करने की कोशिश करें, और साथ ही साथ अपने माइंड को फोकस करें, अपने पाथ को फोकस करें कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं और उनका एम क्या है, और यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट होने की जगह से बेटर है कि वो अपने पाथ में फोकस होकर अपने काम को आगे बढ़े, और उसके लिए जो सही तरीके हैं उनको वो अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट मैम, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू मैम, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।